चक्रवाती तूफान दाना की वजह से पूरे राज्य भर में लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश का दौर शुरू हो गया है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वजह से ठंड ने भी समय से पहले दस्तक दे दी है। लोगों के घर में चादर निकल गया, खासकर बच्चे और बूढ़े इस ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि जिस तरीके से हर साल छठ पूजा के बाद ही, खासकर नवम्बर के बाद ही ठंड लगती है, काफी ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन इस बार तो अभी दिवाली और छठ आया भी नहीं, लेकिन इससे पहले ही ठंड लगने लगी। खासकर रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी से उठा और उसके बाद उड़ीसा से टकराया, जिसका प्रकोप बिहार में सबसे अधिक देखने को मिला। लगातार दो दिनों से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। खासकर पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश हो रही है जिससे तापमान में गिरावट देखी गई और लोग ठंड का आभास कर पा रहे हैं। ठंड काफी ज्यादा लग रही है लोगों को, लोगों के घर में चादर निकल गया है। मौसम ऐसा है कि इस मौसम में तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि सुबह आपको ठंड लगेगी, फिर दोपहर में तापमान सामान्य हो जाएगा तो आप पंखा चलाएंगे, लेकिन कूलर और एसी बिल्कुल नहीं चलाना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि ऐसे मौसम में सावधानी बरतें। पंखा आप चला सकते हैं, लेकिन एसी कूलर बिल्कुल भी मत चलाइए, क्योंकि अगर आप दोपहर में एसी कूलर चलाएंगे तो फिर आपको शाम में ठंड लगने लगेगी। लगातार तापमान में बदलाव देखा जाएगा, ठंड कभी गर्म, ऐसा अगर आप आभास करेंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ भी रहे हैं, और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने ये जानकारी दी है कि आज यानी कि रविवार को तो बारिश होगी ही, शनिवार को भी पटना के साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई और ऐसे में तापमान में गिरावट भी देखी गई। लेकिन आज रविवार को भी राजधानी पटना में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं आसपास की, वहां भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है और लोगों को ठंड लग रही है। लोगों ने अपने घर में चादर निकाल लिया है, लोग अब पंखा एसी कूलर ना के बराबर चला रहे हैं, और ऐसे में लोगों ने ये भी अनुमान लगाया था कि अब तो दिवाली और छठ में भी काफी ज्यादा ठंड लगेगी। दिवाली में शायद हमें कोई गर्म कपड़े ना पहनने पड़ जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि दो दिनों तक बारिश होगी, क्योंकि पूर्वा चल रहा है तो तापमान सामान्य ही रहेगा, बहुत तापमान में गिरावट नहीं देखी जाएगी, जिससे लोग ज्यादा ठंड का आभास नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगा लोगों को, और दिवाली आते आते बारिश भी खत्म हो जाएगी तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगा। इसके बाद अगर हम छठ पूजा की बात करें तो हर साल सुबह के अर्घ के समय थोड़ी बहुत तो ठंड लगती ही है और उस दिन भी लगेगी, लेकिन फिर सामान्य हो जाएगा। इसके बाद नवंबर के बाद फिर से ठंड का आभास लोग कर पाएंगे, मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने ये जानकारी दी है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ना केवल पश्चिम बंगाल बल्कि उड़ीसा, झारखंड, इन तमाम जगहों में ठंड लगने लोगों को शुरू हो गई है, और ऐसे में जानकारी ये दी गई है कि कल तो बारिश हुई ही, आज भी बारिश होगी, एक दो और दिन बूंदा बूंदी बारिश होगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही बारिश खत्म होती है, बारिश का ये दौर खत्म होता है, लोगों को ठंड से निजात मिल जाएगा, लोग इतना ज्यादा ठंड का आभास नहीं कर पाएंगे। और इस बारे में अगर और भी कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, RPIA प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।